हे गाइस, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह के बॉयज़ होते हैं जिन्हें लड़की लाइक करती है। वो आजकल की जनरेशन है, वो इतनी एक्टिव, इतनी फास्ट हो चुकी है कि वो ये चीज़ जानती है कि कोई भी इंसान है वो परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। और ये बात कहीं ना कहीं 100% सच भी है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। लेकिन अब बात आती है, कुछ ऐसी हैबिट्स होती है, कुछ ऐसी पसंद होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कोई भी इंसान, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, कोई भी पसंद नहीं करता है, इग्नोर भी नहीं करता इवन। तो लास्ट में क्या होता है, फिर हम उसे पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक कर देते हैं, चाहे वो इंसान हो या चीज़ हो। चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि किस तरह के बॉयज़ होते हैं जिन्हें लड़की पसंद करती है। इस वीडियो में मैं आज आपको डिटेल से बताने वाली हूँ कि ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी अगर आप एक लड़के हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करे। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द स्टैंडर्ड पॉइंट। यानी कि आपने देखा होगा बहुत से इंसान, बहुत से बॉयज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। सिर्फ अगर किसी ही मतलब गर्ल से भी मिलने जा रहे हैं तो सिर्फ वो अपने बारे में बात करते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा करना, वैसा करना। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ जो बात करते हैं वो खुद के ऊपर करते हैं। उन्हें ये चीज़ की परवाह नहीं होती है कि सामने वाले को, गर्ल्स को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। तो ऐसे अगर आप में कोई हैबिट है, आदत है, तो उसे अभी से सुधार लीजिए, क्योंकि कोई भी गर्ल्स होती है वो इस तरह की हैबिट्स को, इस तरह की बातों को नज़रअंदाज नहीं करती है और बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। क्योंकि ज़रा आप सोच के देखिए कि अगर आप किसी के सामने हैं, किसी से बात कर रहे हो और आप खुद की बातें करेंगे, या फिर अगर लड़की को ये पता लग जाए कि आप सेल्फ स्टैंडर्ड है, आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, तो वो आगे इन फ्यूचर का भी सोच लेती है कि जब ये अपने बारे में आज सोच रहा है, मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है, तो आगे क्या सोचेगा। तो अगर आपके अंदर ये ऐसी आदत है गंदी कि आप अपने बारे में सोचते हैं, सामने वाले के बारे में नहीं सोचते, उसको इग्नोर करते हैं, उसकी पसंद नापसंद को अगर आप इग्नोर करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लड़के को कभी भी एक लड़की पसंद नहीं करती है। और बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इनसिक्योरिटी। देखिए बहुत से बॉयज़ के अंदर एक आदत होती है कि वो गर्ल्स के साथ इनसिक्योरिटी फील करते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने अगर इसे फ्रेंडशिप कर ली, इसे लाइफ में आ गई, तो ऐसा ना हो कि मतलब ये मुझे छोड़ के चली जाए किसी और के पास, इसे कोई पसंद आ जाए, मुझे छोड़ के कहीं और चल जाए। इस तरह की इनसिक्योरिटी फील होती है, तो ऐसे लड़कों को भी लड़की कभी पसंद नहीं करती है। आपकी जॉब है वो कम अच्छी है, किसी दूसरे की जॉब ज़्यादा अच्छी है, या फिर आप सुंदर कम है, कोई दूसरा सुंदर ज़्यादा है, तो ये मुझे छोड़ के मतलब वहाँ चली जाएगी। तो ये इनसिक्योरिटी अगर आपके अंदर है उस लड़की को लेके, तो ये चीज़ आपको ख़त्म करनी होगी। बिकॉज ऐसी जो आदतें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं, ये हमेशा के लिए फिर मेंटेलिटी बन के रह जाती हैं। तो यहाँ पर फिर लड़की की मेंटेलिटी बन जाती है, जब ये खुद डरपोक है, खुद के अंदर, इसके अंदर इनसिक्योरिटी है, तो ये मुझे क्या संभालेगा। अगर इन सिचुएशन में कोई फंस भी जाता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ये अपने आप को नहीं संभाल सकता, मुझे क्या संभालेगा। तो इस तरह की मेंटेलिटी है वो गर्ल्स की बन जाती है। तो अगर आपके अंदर ये आदत है तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि कुछ बॉयज ऐसे होते हैं जो फिर अपने मतलब सिर्फ और सिर्फ काम से ही मतलब होते हैं, उन्हें काम के अलावा कुछ और चीज़ दिखाई नहीं देती है, या फिर कह लीजिए उनके लिए जो सब कुछ है वो अपना काम ही है, चाहे वो ऑफिस का हो, मतलब उनके लिए जो सब कुछ है ना वो काम है। काम को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंसी देते हैं, बाद में सब चीज़ों को इंपॉर्टेंसी देते हैं, आप उसे टाइम नहीं दे रहे हैं। तो उसको हमेशा यही बना रहेगा कि इसके लिए जो कुछ है वो काम है, मैं नहीं हूँ। क्योंकि हर लड़की चाहती है कि आफ्टर मैरिज आप उसके साथ घूमें, खाएँ, पिए, मौज करें, मस्ती करें, बाहर लेके जाए, मूवी। तो अगर आपके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है तो कभी भी आपको एक लड़की पसंद नहीं करेगी, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि वो आप काम के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके लिए पर्सनल स्पेस भी निकाले, पर्सनल टाइम भी निकाले। तो अगर आपके अंदर ऐसी बात है तो उस चीज़ को आपको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि वो सिर्फ एक चार दीवारी में बन के कैद हो जाए, कहीं आ नहीं सकता, कहीं नहीं जा सकता। आपकी परमिशन लेनी होगी, विदाउट आपके जाना पड़ता है। तो एक बार दो बार दिख जाता है, लेकिन हर टाइम ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं है। काम के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, पैशनेबल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि सब कुछ आप काम ही हो जाए। काम के अलावा भी बहुत चीज़ होती है, फैमिली होती है हमारी, एंड वाइफ होती है, या फिर मान लीजिए कोई भी हो। तो आपको कभी भी गर्ल्स को फील नहीं करवाना है कि आप सिर्फ काम 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 और काम पर ही डिपेंड है। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आपका जो बिहेवियर है वो किस तरह का है। सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है वो आपके व्यवहार पर, आपके बिहेवियर पर डिपेंड करती है कि अगर आप एक लड़के हैं तो आपका घर वालों के साथ बिहेव कैसा है, लाइक अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिस्टर ब्रदर्स के साथ कैसा है, कहीं आप उन्हें ज़्यादा लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, मारा पीटी तो नहीं करते। वो फिर उनकी जगह अपने आप को रखकर देखती है कि इन फ्यूचर कहीं ये मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका अपने फ्रेंड के साथ, अपने नेबर के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ किस तरह के टर्म्स है, किस तरह का बिहेवियर है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना कदम कोई आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर आपका जो नेचर है वो सिर्फ झगड़े वाला है, झगड़ालू है, तो एक लड़की कभी भी आपको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा आए जो सिर्फ झगड़ा लड़ाई झगड़े, तो सारी ही लाइफ ऐसे ही बीतेगी। तो अगर आपके अंदर ये कोई गलत आदत है तो आपको ये सुधारना 100% पड़ेगा। अपना बिहेवियर है अच्छा रखिए, और आप मन के साफ होने चाहिए, दिल का आपका साफ होना चाहिए, आपके दिल में कुछ ऐसे काला नहीं होना चाहिए, जो बातें अच्छी बुरी क्लियर कहने वाले होने चाहिए, क्योंकि एक लड़की उन्हीं बॉयज़ को पसंद करती है जो साफ दिल के होते हैं, क्लियर कह देते हैं, अच्छी हो या बुरी फिर चिंता नहीं करते। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जल्दी से जाओ वहाँ पर सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी मेकअप वीडियोस वगैरह, खास तौर से लड़की अगर गर्ल्स हो तो जल्दी से जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे फ्रेंड बनना चाहते हैं, कोई आपका पर्सनली क्वेश्चन है जो आप कमेंट नहीं कर सकते, तो इंस्टाग्राम @swatijan522 जल्दी से जाइए, फॉलो कर लीजिए। और मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।